सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं दोस्तों सराय काले खां RRTS का जो स्टेशन बनाया जा रहा है और बारापुल्ला से किस तरीके से ये क्रॉस कर रहा है, वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आश्रम के पास में दोस्तों आश्रम पे बनाया जा रहा है क्या, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वहीं से निकलेगा। तो आप सभी को बता दूँ, देखो ये सराय काले खां से स्टार्ट होती है ये RRTS दोस्तों, इसका ये बायोडक्ट जोड़ा जा रहा है, लॉन्चर लगा हुआ है, बस यही पिलर बचा हुआ है। उसके बाद में ये यमुना को क्रॉस करते हुए दोस्तों ये न्यू अशोक नगर और आपका आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर एंड ये क्रॉस कर जाती है दोस्तों मेरठ के अंदर। और ये बायोडक्ट देखो लगाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दोस्तों, जो कि ये भी सराय काले खां से स्टार्ट होता है दोस्तों। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाता है आश्रम फ्लाईओवर, जो कि रिसेंटली में बनाया गया है दोस्तों। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता था, तो ये कुछ आश्रम फ्लाईओवर बनाया गया है। अब यहाँ पर जाम की समस्या जो होती थी दोस्तों वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, तो इसी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है दोस्तों। जब ये वर्क कंप्लीट हो जाए यहाँ पर तो बिल्कुल ये यहाँ का जो स्लो डाउन है दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। और आप सभी को बता दूँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ दोस्तों और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर इस बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। एक तो जो एक लॉन्चर छोटा वाला होता है दोस्तों, जो कि वो पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को जोड़ता है, और एक ये लॉन्चर होता है जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में जितने भी सेगमेंट लगाए जाते हैं वो सारे एक साथ चिपकाए जाते हैं दोस्तों, और फिर एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों इसको रख दिया जाता है जोड़ के। तो यही काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके यहाँ पर नज़ारा है दोस्तों। और ये सूर्य घंटा, और जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आप देखो कि ये बारापुल्ला फ्लाईओवर है जो कि ये एम्स पे जाके निकलता है, एंड हो जाता है दोस्तों। और ये मयूर विहार फेज़ वन से स्टार्ट होता है दोस्तों, जहाँ से ये ग्रीन लाइन भी मेट्रो आती है वहाँ से, तो वो भी है आपको। और उसके बाद में फिर न्यू अशोक नगर का आ जाता है, यानी कि मयूर विहार सेकंड और थर्ड वो उधर ही पड़ते हैं दोस्तों। तो आप लोग देखो किस तरीके से, देखो ये छोटा वाला लॉन्चर है जो पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को कनेक्ट करता है। देखो आप लोग क्या नज़ारा, देखो आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर इस बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया गया। अब इसको कनेक्ट इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये नीचे वाहन चल रहे हैं, ऊपर बारापुल्ला फ्लाईओवर है तो लॉन्चर लगना मुश्किल था, तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये पिलर के ऊपर ही इस मेथड द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और ये सामने आ चुका है दोस्तों सराय काले खां RRTS जो बनाई जा रही है दोस्तों, उस पर यहाँ पर देखो ISBT भी है इंटरनेशनल दोस्तों। और आपको बता दूँ यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, यानी कि निजामुद्दीन, और इस पर एक मेट्रो भी है दोस्तों जो कि है वो पिंक लाइन। तो देखो काफ़ी सारे यहाँ पर हब होने वाले हैं, और आने वाले टाइम में दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि यहाँ से काफ़ी सारी ये RRTS की ट्रेनें चलाई जानी है अभी नमो भारत दोस्तों। और आपको बता दूं कि उनके रूट भी आप लोग सुन लो, पहला तो रूट ये बनाया जा रहा है दिल्ली टू मेरठ, दूसरा बनाया जा रहा है दोस्तों कहाँ तक, सराय काले खां टू पलवल, तीसरा बनाया जा रहा है सराय काले खां टू अलवर, चौथा बनाया जा रहा है दोस्तों सराय काले खां टू सोनीपत पानीपत के लिए। भविष्य में बहुत सारी लाइनें इसको जोड़ी जाएंगी, ये अभी देश में पहली बार ये रैपिड रेल चलाई जा रही है तो इसी की डिमांड है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये दोस्तों चलती भी है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों चलाई जा सकती है, इसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और हमारे भारत में ये असेंबल की जा रही है दोस्तों, और मेरठ में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी दोस्तों।
तो देखो किस तरीके से यहाँ पर प्लेटफार्म बनाया गया और सबसे अलग और सबसे हट के यही सरायकाले खां का दोस्तों स्टेशन होने वाला है दोस्तों RRTS का। तो आप लोग देखो कि जो इस पे क्या जो सेड टीन सेड डाला जाएगा उसका स्टील का स्ट्रक्चर लगाने का अभी वर्क किया जा रहा है। जब ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तब इसके बाद में इस पर रूफ टॉप लगाया जाएगा दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पर ये रेलिंग भी लगा दी है इन्होंने और अभी इधर काम भी चल रहा है। तो अब आप लोगों को बताऊँ कि कौन कुछ लेवल बन के बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, सेकेंड लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल अभी बनाया जाएगा और उसी का कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर दिन रात चल रहा है। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दिन रात तेजी के साथ में दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि सारा बायोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को बता दूं कि न्यू अशोक नगर का भी देखो स्टेशन कंप्लीट सही हो चुका है, उसमें ज़्यादा वर्क नहीं बचा है। आनंद विहार के अभी कंप्लीट होने वाला दोस्तों साहिबाबाद से और मोदी नगर नॉर्थ तक का है। तो आप लोगों को बताइए कि रैपिड लेट चली रही है उस पर। और देखो आप लोग इस तरीके से इस तरफ से भी देख लो, जिस अभी हम अभी इस पर फ्लाईओवर पर चल रहे हैं दोस्तों, इसका मैंने अपडेट दिया था पिछली बार के, यहाँ पर भी सरायकाले खां के सामने दोस्तों बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रहता था बहुत ज़्यादा। तो इसी को PWD यानी कि दिल्ली सरकार ने दोस्तों इसको बनवाया है। एक आश्रम फ्लाईओवर, एक ये सरायकाले खां का फ्लाईओवर दोस्तों बनवाया है और इधर पंजाबी बाग में भी बनाए कई फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तो उसका तो मैं अपडेट आप सभी को नहीं दे पाया हूं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आप सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।